गाइज वेलकम टू माई चैनल यस ब्यूटी क्वीन, आई एम दवर नजरा, होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज आज क्या मैं जा रही हूँ आज मार्केट, सोम मार्केट यहाँ पर होता है, सोम हाट बोला जाता है उसे, और ये मुछीपाड़ा के इधर होता है, मीन्स मेरा तपोवन सिटी से मुछीपाड़ा के बीचों बीच होता है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग लगता है। तो आज हम आपको वहीं टूर कराएंगे कि आज ये छोटा सा मार्केट का टूर करवाएंगे। आज है मंडे और मंडे को ये मार्केट लगता है, तो मैं इसी का टूर आज करवा रही हूँ। तो लेट्स गो। तो फाइनली हम सोम हाट पहुँच गए हैं। सोम हाट में आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है और कितनी सारी यहाँ पर मार्केटिंग लगी हुई है। तो गाइज ये एक तरह का घाटिया टाइप का है, सारा सब्जी फल एंड फिश, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे आपको फिश यहाँ पर वैरायटीज़ देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप बाइक कर सकते हो अगर आप मुछीपाड़ा में रहते हो या फिर तपोवन सिटी में रहते हो, मीन्स मैं तपोवन सिटी में रहती हूँ, तपोवन सिटी से ये काफ़ी सामने है। वैसे मैं ऑटो रिजर्व करती हूँ, तपोवन से जाने में 50 रुपीज़, आने में 50 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ तो खर्चा ऐसे ही हो जाता है। यहाँ पर हम लोग हिल्सा फिश किए थे, मीन्स इलिश फिश लिए थे एंड प्रॉन्स लिए थे, एंड काफ़ी फिश यहाँ वैरायटी आपको मिल जाएगा, पाटा फिश एंड डिफरेंट डिफरेंट कातला, सब तरह का फिश आपको अवेलेबल मिल जाएगा यहाँ पर। सो आप डेफिनेटली आप जा सकते हो अगर आप दुर्गापुर में न्यू हो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आसपास में क्या मार्केटिंग है, तो मैं वही एक्सप्लोर करती हूँ आप लोगों के साथ। दुर्गापुर के जितने भी मार्केट्स हैं वो सारे मार्केट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना, न्यू प्लेस को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले मार्केट फ़िश मार्केट दिखा दे रही हूँ, क्योंकि फ़िश मार्केट बंगाल में हो आप, भाई वेस्ट बंगाल में हो आप, दुर्गापुर में हो, तो आपको इतना तो नॉलेज रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ फ़िश मार्केट आपको रिजनेबल रेट में मिल जाएगा फ़िश। सो यहाँ पर आप डेफिनेटली सोमवार एंड फ्राइडे, मीन्स मंडे एंड फ्राइडे को आप जा सकते हो। यहाँ पर ये हाट, सोम हाट जो है ये मंडे एंड फ्राइडे को लगता है, और ये एग्जैक्टली मुछीपाड़ा में के थोड़ा सा आगे और तपोवन सिटी के बीचों बीच है, उस जगह पे है, तो मुछीपाड़ा ही बोल सकते हो इस जगह को। एंड फिलहाल हम लोग फिश ले रहे थे हिल्सा फिश, मीन्स इलिश फिश, वो हम लोग बाय कर रहे थे, और बाकी फिश भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो फिश, वो सारे फिश जिंदा है, मीन्स लाइव आप देख सकते हो सारा कुछ, एंड वो पाटा फिश था। एंड यहाँ पर मैंने दूसरे फिश को भी देखा, एंड आप लोगों को दिखाने के लिए मैं और ज़्यादा घूम रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या क्या फ़िश अवेलेबल रहता है। पॉम्पलेट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, सो आप वो भी चाहो तो ले सकते हो। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको यहाँ के वेजिटेबल शॉप एंड फ्रूट शॉप भी दिखा दूँगी, जैसे कि आपको हेल्प मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल शॉप से। तो गाइस फिश मार्केट तो मैंने जितना था उतना दिखा दिया, इसके बाद हम लोग वेजिटेबल के और बढ़ गए हैं। सो लेट्स सी। सो ये आप देख सकते हो फिश मार्केट से लगा हुआ आपको वेजिटेबल मार्केट देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आपको मशरूम, डिफरेंट डिफरेंट मशरूम देखने को मिल जाएगा। तो मैंने मशरूम भी बाय किया था फर्स्ट टाइम, ऐसे में एक्चुअली मेरे इन लॉज में, मेरे ससुराल में कभी भी मशरूम उतना होता नहीं है, बट या मैंने आज मशरूम बनाया, बहुत अच्छा बना था फर्स्ट टाइम, बहुत ही अच्छा बना था। एंड हाँ, ये जो मशरूम जो मैंने आपको दिखाया वाइट कलर का होता है, ये अभी से मीन्स जून जुलाई सेशन से लेकर दुर्गा छाती से बोला जाता है, दुर्गा पूजा तक ही ये मिलता है, दुर्गा पूजा के बाद ये अवेलेबल नहीं रहता, ये वाली जो मशरूम होती है इसे बंगाली में छाती कहा जाता है। एंड यहाँ पर हर एक माल 10 रुपीज़ करके मिल रहा था, सो मैंने भी यहाँ से कुछ कुछ बाय किया है, एक दो चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है सामान, कुछ हम लोग को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है लेकिन लेना नहीं होता है, तो आज वही मैं एक दो चीज़ ली हूँ। सो यहाँ से हर एक माल 10 रुपया, और यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट सामान, तो आलू प्याज ये सब तो इंपॉर्टेंट होते हैं, वेजिटेबल्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं जो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो यहाँ से बाय किया, काफ़ी कम रिजनेबल रेट में यहाँ पर मिल जाता है। नॉर्मली आप तपोवन सिटी के अंदर लोगे तो आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन मेरा लगभग सेम हो जाता है, क्योंकि मैं जाती हूँ ऑटो से, आती हूँ ऑटो से, 50 रुपीज़ 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ तो मेरा ऐसा ही चला जाता है ऑटो रिजर्व में। सो यहाँ से तपोवन से अगर आप वो हट सोम हाट जाओगे तो आपको 50 रुपीज़ मतलब लेंगे ऑटो वाले लोग, एंड आने का 50, जाने का 50, तो 100। यहाँ पर आपको मैं जूम करके दिखा देती हूँ कि किस टाइप का मशरूम देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसा है मशरूम, इसे दुर्गा छाती कहा जाता है बंगाली में, एंड ये दुर्गा पूजा तक ही अवेलेबल रहता है, उसके बाद आपको ये छाती फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ से पे मैंने 250 लिया था, जिसका कॉस्ट दुर्गापुर में अभी 50 रुपीज़ है,
सो 250 रुपीज़ मीन्स अगर आप 1 kg ले रहे हो तो आपको 200 पे करना होगा, लेकिन ये अगर धनबाद झारखंड में ये 400 का अभी रेट चल रहा है, वेस्ट बंगाल में अभी कम रेट है। एंड यहाँ से मैंने कुछ पटल बाई किया था, झींगे करेला मीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स मैंने कुछ लिया था इस दुकान से। एंड मैं आज पापा जी के साथ गई थी, मीन्स मेरे फादर इन लॉ के साथ आज मैं मार्केट गई थी थोड़ा घूमने, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, क्योंकि 1-2 दिन ही हुआ आए हुए और बिल्कुल भी यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, क्योंकि 2 महीना मैं इस बार धनबाद में थी, आप लोगों को पता ही है। सो दैट्स वाई यहाँ पर धूप भी मिल रहा है, मीन्स पूजा करने का जो आरती का अगरबत्ती भी मिल रहा था, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड मैंने बैक साइड पर नहीं गया था, उस साइड में आपको नाइटी लेडीज़ वेयर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, नॉर्मल जो ट्राउज़र वाउज़र होते हैं। सो फाइनली हम बाज़ार से निकल गए, ऑटो रिजर्व कर लिया है, 50 रुपीज़ ऑटो में लगेगा। सो हम लोग पहुंच के आपसे घर पहुंच के बात करते हैं। तो गाइस फाइनली हम मार्केट से आ गए हैं, कितना ज़्यादा मैं पसीना पसीना हो गया देख ही सकते हो, इतना ज़्यादा धूप था। तो फाइनली मैं आ गई, आई होप कि आपको मार्केट अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और फाइनली मैं दुर्गापुर में हूँ, मैं ससुराल पहुँच गई हूँ। एंड सो वही ब्लॉग में आपको बताना था कि मैं तो फाइनली पहुंच गई हूँ ससुराल, और मैं भी ससुराल में ही हूँ दुर्गापुर में। तो ये दुर्गापुर ब्लॉग्स आएगा, रेगुलर अपडेट मैं दूंगी, सो डोंट वरी, बी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज़।